रहा हो तो उसे उसको बचाने का अधिकार है। इंडियन पीनल कोड ये नहीं कहता है कि अगर इस प्रकार का हमला हो या इस महिला पे हो या इस बच्चे पे हो, ये कहीं नहीं कहा गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आपको खतरा हो तो आप अपना बचाव करें। दूसरी बात ये करवा गई है, कही गई है कि द यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स। रीजनेबल फोर्स यानी कि क्या हो सकता है बताइए। आपको पता हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लड़कियों के साथ हरासमेंट बहुत ज्यादा होता है, और हरासमेंट इस प्रकार का होता है, छेड़ दिया एक बहुत माइल्ड शब्द है। छेड़ दिया शब्द का इस्तेमाल हमें छोड़ना होगा और हमें ये कहना होगा कि क्राइम कमिट किया है। बहुत सी लड़कियों को ये नहीं पता है कि हरासमेंट क्राइम है, तो ये कहना कि कोई तुम पे सीटी बजाए तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है क्योंकि वो क्राइम है। तो क्राइम को क्राइम करें। हमें क्यों शर्म आ रही है ये कहने में कि किसी ने हमारी हिप को टच किया, क्यों शर्म आ रही है? जो टच कर रहा है वो शर्म करे ना। तो हमें अपनी झिझक थोड़ी छोड़नी पड़ेगी और क्राइम को क्राइम कहना पड़ेगा। और कॉल इट आउट से ये होता है कि मान लीजिए उसने मेरे हिप पे पिंच किया, अगर अब मैं कहूं कि क्या कर रहे हो सर, उन्होंने ऐसा किया, फाइनली एट सम पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या किया बताओ तो, अच्छा नहीं लगा, पता ही नहीं लगा क्या झिझक। अगर मैं वहां पे सीधे बोलूं मेरी हिप को पिंच मत कर, तो क्या होगा, इंसान खुद झटके में आ जाएगा, ये क्या बोल गया। ये मैं आपको काफी रिसर्च टेक्निक्स बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सपना आया और मैंने ये बना दी। तो काफी सारी इंटरनेशनल रिसर्चेस पे बेस्ड है ये सारी टेक्निक्स। सेकंड इज कॉल इट आउट। तीसरा ब्रोकन रिकॉर्ड। मान लीजिए मत कर, इसके बाद इंसान कहता है कि क्यों ना करूं, क्यों मत कर, उसके बाद आप बात करते चले जाए, फिर से आपने एस्केलेट कर दिया, वो नहीं कर, मत कर, इसके बाद आप क्या बोलोगे, मत कर, मत कर, मत कर। आप जितना अपना असर्टिवनेस बढ़ाओगे लेकिन उसी पर अटके रहो। ऑब्वियसली हर सिचुएशन अलग है, सो वी कांट प्रिस्क्राइब कि आप क्या करें। तो हमें ये नहीं बोलना है इसके अलावा कुछ मत करो। यहां पर भी हमें ये बोलना है कि ठीक है जो तुम्हारे मुंह से निकला वो ठीक है, लेकिन 3-part स्टेटमेंट्स होता है कि आपको अपने मन की कोई भी बात कहनी है। मान लीजिए कि एक लड़का है, वो बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और मुझे और दोस्त है, मानना नहीं चाहती उसको, कुछ और नहीं करना चाहती। तो 3-part स्टेटमेंट में ये होता है कि पहले पार्ट में आप बताएं कि आपको कैसा लगा, दूसरे पार्ट में आप बताएं कि ये मत करो, सॉरी मैं खुद भूल गई, फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू कॉल आउट द बिहेवियर, सेकेंड पार्ट इज यू हैव टू से हाउ यू फेल्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज टू गिव एन ऑर्डर। तो पहला आप बोलेंगे कि तुमने ये किया, मान लीजिए फिर तुमने मुझे जो फ्रेंड एक्सपीरियंस में लड़कियों को ये बहुत पसंद है, तमाशा बनाओ में एक्चुअली प्रैक्टिस करनी होती है कि बिल्कुल जो लड़कियों को कहा जाता है कि तमाशा मत बनाओ उसका उल्टा करना है, कि बस में अगर हो आपको बाकी कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी है, आपका मन नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो आपको बस जोर जोर अरे देखो इसने, अरे अंकल आंटी, जैसे बन पड़े, ठीक है, और तमाशा बनाने की प्रैक्टिस भी बाकायदा की जाती है। तो ये है 5वीं टेक्निक। अब